Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صلوات بر محمد ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات ایک مرتبہ اور بلند تر سلام صلی اللہ محمد برادران عزیز قرآن حکیم وہ کتاب ہے جس میں افہام و تفہیم کے جتنے اسالیب ہیں سب بروئے کار لائے گئے ہیں یعنی عقل بشری پر ادراک بشری پر نفس بشری پر روح بشری پر وجود بشری پر اتمام حجت کے جتنے طریقے ممکن ہیں وہ سب طریقے برتے گئے ہیں انسان اگر اپنے ذہن کا مطالعہ کر سکے تو انسان کسی بھی مسئلے میں کتنے طریقوں سے دلائل قائم کرتا ہے آپ گفتگو کرتے ہیں کوئی گفتگو آپ کی بے دلیل نہیں ہوتی یہ اور بات ہے کہ دلیل درست ہو یا نادرست ہر گفتگو میں کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے کوئی نہ کوئی برہان ہوتی ہے لیکن وہ دلیل درست ہے یا نادرست ہے وہ برہان درست ہے یا نادرست ہے وہ استدلال درست ہے یا نادرست ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن کوئی بھی شخص کوئی بھی انسان
कोई बात अपनी हद तक बग़ैर दलील व बुरहान नहीं करता। कोई अमल इंसान बिला सबब अंजाम नहीं देता। यानी ये फितरत इंसानी का तकाजा है। इसीलिए मशहूर फलसफी इब्न सीना ने एक बात कही है। इब्न सीना कहते हैं कि अगर कोई शख्स किसी बात को बिदात दलील कबूल कर ले तो वो फितरत इंसानियत से खारिज है। अगर कोई शख्स, कोई इंसान कोई बात बग़ैर दलील कबूल कर ले तो वो फितरत इंसानियत से खारिज है। गोया फितरत इंसानी बेदलील किसी बात को कबूल नहीं करती। फितरत इंसानी बेदलील किसी बात को रद्द नहीं करती। तो हमारी हर बात में कोई ना कोई दलील है, कोई ना कोई बुरहान है। जहाँ दलाइल दुरुस्त नहीं होते, बराहीन दुरुस्त नहीं होते, जहाँ इस्तदलाल दुरुस्त नहीं होता, वहाँ उसको दुरुस्त करने के तरीक़े हैं। तनकीद दलाइल, तनकीह बराहीन के तरीक़े हैं। इसीलिए इल्म मंतिक वजूद में आया है। बहुत से दानिश्वर इस बात के कायल हैं कि हकीकत के इदराक के लिए वजूद इंसानी में एक शय है जिसका नाम है अक्ल, और एक शय और है जिसका नाम है विजदान। अक्ल का सरमाया दानिश बुरहानी है, विजदान का सरमाया दानिश नूरानी है। ये बात बहुत से हुकमा, बहुत से फलासफा, बहुत से दानिश्वर कहते आए हैं, लेकिन यहाँ पर ठहर कर मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। जो बात लोग कहते आए हैं उसे भी बिला दलील कबूल कर लेना फितरत इंसानियत से खारिज हो जाने के मुतरादिफ है। हमें फिर गौर करना चाहिए, आया ये तकसीम भी दुरुस्त है या नहीं। क्या ये दुरुस्त है कि एक दानिश दानिश नूरानी है और एक दानिश दानिश बुरहानी है? क्या ये दुरुस्त है कि एक इल्म इल्म नूरानी है, एक इल्म इल्म बुरहानी है? मेरा मारूज़ा ये है, मकतब मुल्ला सदरा के तमाम तालिब इल्मों का मारूज़ा ये है कि असलन इल्म एक ऐसा जौहर है जो तकसीम नापज़ीर है। इल्म वो जौहर बसीत है जो तकसीम नापज़ीर है। इल्म को तकसीम नहीं किया जा सकता, इल्म को तकसीम नहीं किया जा सकता। और जब इल्म को तकसीम नहीं किया जा सकता तो फिर इल्म बुरहानी और इल्म नूरानी की तकसीम के क्या मानी होते हैं? इल्म इल्म है, इल्म की माहियत ही नूरानी है। वो चीज़ जिसे गैर नूरानी कहा जाए वो कुछ और हो सकती है, इल्म नहीं हो सकता, इल्म नहीं हो सकता। इल्म की हकीकत नूरानी है। बुरहान वसायत इल्म में से है। बुरहान, दलील, इस्तदलाल, ये सब वसायत इल्म, वसाइल इल्म में से हैं, मज़ाहिर इल्म में से हैं। इल्म इल्म है, तकसीम नापज़ीर है। इसीलिए मकतब इरफान ये कहता है कि बुरहान, इरफान और क़ुरान ये तीनों मुत्तहिद हैं। जो क़ुरान की आवाज़ है वही बुरहान की आवाज़ है, जो बुरहान की आवाज़ है वही इरफान की आवाज़ है।
ये मुमकिन नहीं है कि इरफान का तकाज़ा कुछ और हो, बुरहान का तकाज़ा कुछ और हो, क़ुरान का तकाज़ा कुछ और हो। वो इरफान जो बुरहान से खाली हो वो इरफान नहीं है। वो बुरहान जो किसी इरफान तक ना पहुँचाए वो बुरहान नहीं है। वो बुरहान और इरफान जो क़ुरान से हमाहंग न हो वो बुरहान और इरफान नहीं है। बुरहान, इरफान, क़ुरान तीनों की मंजिल एक है, जुदा नहीं है। वाज़ह है, इस बात को ज़हन आली में रखें। और ज़ाहिर है कि आज से जो गुफ्तगू शुरू हुई है इस पर गुफ्तगू होगी, 3 दिन की गुफ्तगू है। 3 दिन में ये तय करेंगे हम कि बुरहान के तकाज़े क्या हैं, इरफान के तकाज़े क्या हैं, क़ुरान के तकाज़े क्या हैं। फ़िलहाल ये बात ज़हन आली में रखें कि बुरहान क़ुरान से जुदा नहीं है, क़ुरान बुरहान से जुदा नहीं है, इरफान बुरहान से जुदा नहीं है, बुरहान इरफान से जुदा नहीं है, इरफान क़ुरान से जुदा नहीं है, क़ुरान इरफान से जुदा नहीं है। बुरहान व इरफान व क़ुरान तीनों की मंजिल एक है, तीनों की हकीकत एक है, तीनों के मज़ाहिर जुदा जुदा हैं। उसलूब बयान मुख्तलिफ़ हो सकता है, इबारत मुख्तलिफ़ हो सकती है, इशारत मुख्तलिफ़ हो सकती है, अदा मुख्तलिफ़ हो सकती है, ज़बान मुख्तलिफ़ हो सकती है, टर्मिनोलॉजी मुख्तलिफ़ हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो लुब लुबाब है, जो रूह है, जो जौहर मानी है, जो मग़्ज़ सुखन है, वो एक है, वो एक मंजिल एक है, वो जौहर एक है, वो मुख्तलिफ़ मुतअद्दिद नहीं है। इस बहस के आगाज़ में मैंने तबर्रुकन व तयम्मुमन क़ुरान मजीद की जिस आयत का इंतखाब किया है वो आयत एक मुनाज़रे पर मुश्तमिल है। मुनाज़रा तो आप हज़रात का बड़ा महबूब मौजू है। एक मुनाज़रे पर मुश्तमिल है, सूरह मुबारक बकरा की आयत है और इसमें मुनाज़रा नबी खुदा खलील खुदा खलीलुर रहमान हज़रत इब्राहीम अलैहि व अला नबीना सलातु वस्सलाम और जनाब इब्राहीम के मुकाबले में तागूत वक्त नमरूद के दरमियान जो मुनाज़रा हुआ है वो इस आयत करीमा में बयान हुआ है। आयत करीमा का जो मौका है क़ुरान मजीद में वो आयतुल कुर्सी के बाद है, ये ज़हन आली में रहे। आयतुल कुर्सी में तौहीद का बयान है, आयतुल कुर्सी के बाद विलायत इलाहिया का बयान है। कहीं भी तौहीद का बयान विलायत से जुदा नहीं है, कहीं भी विलायत का बयान तौहीद से जुदा नहीं है, इसलिए कि तौहीद नज़रिया है और विलायत निज़ाम। ये जुमला इसी मेंबर से कह चुका हूँ, ये जुमला इसी मेंबर से कह चुका हूँ, लेकिन ये जुमला आप हज़रात के अजहान आलिया में रासिख हो जाना चाहिए और हमारी निसाबी किताबों में आ जाना चाहिए कि विलायत वो निज़ाम है जो निज़ाम बशरी को मुनज़्ज़म व मुरत्तब व मुदव्वन करने के लिए क़ुरान मजीद ने पेश किया है। ये दरमियान दरमियान में बातें आ जाती हैं तो वो भी अर्ज़ करता चलता हूँ। बात इरफान व बुरहान व क़ुरान की है, बात यह है कि हम हकीक़त कुबरा को किस तरह कशफ करें, किस तरह उस तक पहुँचें, बुरहान के रास्ते से, क़ुरान के रास्ते से या इरफान के रास्ते से। आया ये रास्ते एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं या एक दूसरे से मुत्तहिद हैं या एक दूसरे से मुत्तफ़िक हैं, ये बहस है।
लेकिन बात जब दरमियान में आ गई तो मैं अर्ज़ कर दूँ कि हमारा जो बुनियादी इल्मी नज़रिया है वो तौहीद है, और उस पर जो निज़ाम है वो निज़ाम विलायत है। ये बात हमारी निसाबी किताबों में होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस की वो किताबें जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही हैं, उसमें थ्योरी ऑफ गवर्नेंस में सब कुछ पढ़ाया जाता है, मशरक़ का फ़लसफ़ा, मग़रिब का फ़लसफ़ा, मुलुकियत का फ़लसफ़ा, जमहूरियत का फ़लसफ़ा, मादियत का फ़लसफ़ा, जदलियत का फ़लसफ़ा, सब कुछ पढ़ाया जाता है। नहीं पढ़ाया जाता तो क़ुरान का फ़लसफ़ा कि क़ुरान मजीद ने क्या नज़रिया हुकूमत दिया है, क़ुरान मजीद ने क्या निज़ाम हुकूमत दिया है। आखिर मुसलमान का, एक मुसलमान बच्चे का ये हक है या नहीं कि वो दरियाफ्त करे कि क़ुरानी नज़रिया हुकूमत क्या है, क़ुरानी निज़ाम हुकूमत क्या है, ये हमें मालूम होना चाहिए या मालूम नहीं होना चाहिए। ये जुमले मुकर्रर अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने कराची में भी अर्ज़ किया था, मुल्तान में भी अर्ज़ किया था, यहाँ भी आपको मुतवज्जह करता चलूँ, क्योंकि ये हमारे ज़िंदगी के बुनियादी मसाइल में से हैं। यूनाइटेड नेशंस का चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जिस ज़माने से तालीफ हुआ है उस ज़माने से लेकर अब तक उस पर बड़ा ज़ोर दिया जाता है। एक ज़माने में ये था कि हर मुल्क में निज़ाम तालीम में उसको शामिल किया जाए, जवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, मर्दों को, सबको बताया जाए कि उनके बुनियादी हुकूक क्या हैं, उनमें अवेयरनेस पैदा की जाए, उनमें बेदारी पैदा की जाए कि इंसान के बुनियादी हुकूक क्या हैं, बुनियादी बशरी हुकूक क्या हैं, बच्चों के हुकूक क्या हैं, बूढ़ों के हुकूक क्या हैं, औरतों के हुकूक क्या हैं, मर्दों के हुकूक क्या हैं, इंसानी हुकूक क्या हैं, आज़ादी बुनियादी हक़ है, हुर्रियत बुनियादी हक़ है, वगैरह वगैरह। हर मुसलमान बच्चे का क्या ये बुनियादी हक़ नहीं है कि वो ये जाने कि कुरान मजीद ने क्या नज़रिया हुकूमत पेश किया है? क्या हर मुसलमान बच्चे का ये बुनियादी हक़ नहीं है कि वो ये सवाल करे और ये जाने, उसे ये मालूम हो कि कुरान का निज़ाम हुकूमत क्या है, कुरान मजीद का नज़रिया हुकूमत, कुरान मजीद का निज़ाम हुकूमत निज़ाम विलायत है, नज़रिया विलायत है। इसे हमारी निसाबी किताबों में होना चाहिए, और इस मौजू पर जिसका जब जी चाहे मुझसे चाहे मुनाजरा कर ले, चाहे मुबाहला कर ले, जब जी चाहे तमाम आलम इस्लाम जमा हो जाए और मुझे बताए कि क़ुरान मजीद ने कोई नज़रिया हुकूमत दिया है या नहीं दिया है, निज़ाम हुकूमत दिया है या नहीं दिया है। इस मरतबा कराची में गुफ्तगू थी, तबीयत साथ नहीं दे रही है तो मैं धीरे धीरे गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूँ। कराची में एक सेमिनार था इसी सफ़र में, और उसका उन्वान ही यही था कि इस्लाम का नज़रिया हुकूमत, इस्लाम की थ्योरी गवर्नेंस की क्या है। मुझसे पहले जो साहब कंडक्ट कर रहे थे, आपके मुल्क के बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं, टेलीविज़न पे भी आते हैं, उन्होंने तमहीद में ये कहा कि हमें कुरान मजीद की किसी आयत में कोई नज़रिया हुकूमत नज़र नहीं आता। ज़ाहिर है गुफ्तगू मुझे करनी थी, उसके बाद मैंने जो जुमला कहा वो यही था कि जनाब मौसूफ़ ने जो कुछ कहा है बचपन से जो सुनते आए हैं वही तो कहेंगे। मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, बड़े बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरत सब सुन रहे हैं, मैं बहुत ही आहिस्ता गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप भी आहिस्ता दाद दीजिएगा ताकि मेरी आवाज़ आपकी दाद में गुम ना हो जाए। आप देखिए
ये मतलब मैं गुजारिश कर चुका हूँ, मुकर्रर अर्ज़ कर रहा हूँ, चूँकि दरमियान में आ गई बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आम तौर पर क्या कहा जाता है कि इस्लाम मुकम्मल मज़हब है, ये कहा जाता है नहीं कहा जाता है। हर मसलक का आलिम यही कहता है कि इस्लाम सबसे मुकम्मल मज़हब है। जितने भी मसलक हैं, 72 मसलक हों, 73 मसलक हों, 70 मसलक हों, जितने भी मसलक हों, हर मसलक का आलिम दीन और हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला इस्लाम पसंद दानिश्वर ये कहता हुआ नज़र आता है कि इस्लाम सबसे मुकम्मल दीन है, सबसे मुकम्मल मज़हब है। इस्लाम ने हयात बशरी के हर शोबे को रोशन किया है, कोई शोबा ऐसा नहीं है कि जो शोबा तिशना रह गया हो, तारीक रह गया हो, कोई शोबा ऐसा नहीं है कि जिसमें इस्लाम ने उसूल, फुरूर, कवायद, डिसिप्लिन, तरीक़ेकार, तहजीब, फरहंग ना सिखाया हो। सब कहते हैं ज़िंदगी की हर हर अदा को इस्लाम ने एक सलीके के सांचे में ढाला है। इंसान की अदाएं, ज़िंदगी की अदाएं, उन्हें भी इस्लाम ने एक सलीके के सांचे में ढाला है। कदम कदम की तहजीब सिखाई है। हम हमाम जाते हैं तो हमाम जाने के आदाब क्या हैं, हम सोते हैं तो ख्वाबगाह में जाने के आदाब क्या हैं, हम मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में जाने के आदाब क्या हैं, है या नहीं किताब में? बैतुलखला में जाएं तो पहले बायां पांव रखें और बैतुलखला से निकलें तो पहले दाहिना पांव बाहर निकालें, मस्जिद में जाएं तो पहले दाहिना पांव मस्जिद में रखें, मस्जिद से निकलें तो पहले बायां पांव मस्जिद से बाहर निकालें, सोएं तो इस तरह सोएं, बैतुलखला में जाते वक्त ये दुआ पढ़ें, मस्जिद में जाते वक्त ये दुआ पढ़ें, सोते वक्त ये दुआ पढ़ें, सो के उठें तो ये दुआ पढ़ें, सोने के, जागने के, उठने के, बैठने के, दस्तरखान के, खाने के, पीने के, हर तरह के आदाब इस्लाम ने तालीम फरमाए हैं। ज़िंदगी का कोई शोबा है, कोई शोबा इस्लाम ने छोड़ा है? फ़िक़्ह की किताबों में छूटा है? वो इस्लाम जो ज़िंदगी की छोटी बड़ी हर बात पे रोशनी डाल रहा है, उसने ये नहीं बताया कि इंसान हुकूमत कैसे कायम करे? कैसी बात है? इसका मतलब ये बात न बुरहानी है, न इरफानी है, न कुरानी। हर चीज़ पर इस्लाम ने रोशनी डाली, इल्ला बकौल उनके जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम ने, कुरान ने कोई वाज़ह नज़रिया हुकूमत और निज़ाम हुकूमत हमें नहीं दिया। इन दोनों बातों में कैसा तज़ाद है, कैसा तनाक़ुज़ है, कैसा टकराव है? एक तरफ कहते हैं इस्लाम मुकम्मल दीन है जिसने ज़िंदगी के हर शोबे को रोशन किया है, एक तरफ कहते हैं कि इस्लाम ने नज़रिया हुकूमत ही पेश नहीं किया, तरीक़ा हुकूमत ही नहीं बताया, जो जिस तरह चाहे हुकूमत कायम कर ले। जब हुकूमत कायम कर ले तो उसकी फरमा बरदारी वाजिब है, चूँकि वो उलुल अम्र बन जाता है। जब कोई हुकूमत कायम कर ले, चाहे वो इलेक्शन से कायम कर ले, चाहे वो सिलेक्शन से कायम कर ले, चाहे वो गारत गरी करके कायम कर ले, जब एक बार कायम कर ले, कहर व गरबे से कायम कर ले, किसी भी सूरत से कायम कर ले, जब एक बार वो हाकिम हो गया, आपके ऊपर मुसल्लत हो गया, तो अब वो उलुल अम्र हो गया और उसकी पैरवी, उसके कवानीन की, अहकाम की पैरवी लाजिम हो गई। यानी इस्लाम ने इस तरह इस मसले को छोड़ दिया है, जो जिस तरह चाहे हुकूमत कायम कर ले। शादी के मसले को क्यों इतना पेचीदा बना दिया? एक जवान लड़का, एक जवान लड़की आपस में शादी नहीं कर सकते, वहाँ कानून है कि इस्लाम के इस कानून के तहत इस तरीके से अनकह तो कबिल तो होगा तो निकाह होगा, वरना नहीं होगा। ये बेचारे नई दुनिया के जवान कहते हैं कि साहब क्या कहते हैं, जब हम दोनों राजी हैं तो काजी जी की क्या ज़रूरत है दरमियान में? इस किस्म की बातें करते हैं। इस्लाम ने एक जवान
मर्द को एक जवान औरत को शादी की इजाज़त दी है, आज़ादी का दायरा है, मगर उस दायरे में कुछ शरायत हैं कि इन शरायत के साथ आप अक़्द इज़्दिवाज में आ सकते हैं। तो एक दायरा महदूद ज़रूर है, उस दायरे में कुछ शर्तें हैं और कुछ हदूद आज़ादी की हैं। जबर नहीं है किसी जवान लड़के पे, जबर नहीं है किसी जवान लड़की पे, जबर नहीं है, जबर नहीं है। जबर न होने के बावजूद कुछ शरायत हैं, कुछ कवायद हैं, कुछ उसूल हैं, कुछ अहकाम हैं, उन अहकाम की पाबंदी करना बहरहाल ज़रूरी है अगर इंसान खुदा का बंदा है, अगर इस्लाम पर गामजन है, अगर शरीयत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाज़े है शादी का मसला शरीयत ने रोशन किया, विलादत से वफात तक के तमाम मसले शरीयत ने रोशन किए, कुरान ने रोशन किए, इल्ला हुकूमत का मसला, ये बात दुरुस्त नहीं है। कोई सहीहुल फिक्र इंसान इसे कबूल नहीं कर सकता। मानना पड़ेगा कि कुरान मजीद ने कोई नज़रिया हुकूमत दिया है, कुरान मजीद ने कोई निज़ाम हुकूमत दिया है। अलबत्त वो नज़रिया हुकूमत और निज़ाम हुकूमत चूँकि बहुत से अफराद की तबीयतों के लिए काबिल कबूल नहीं है, इसलिए वो इनकार करते हैं और कहते हैं कि कुरान ने कोई नज़रिया हुकूमत पेश नहीं किया, कुरान ने कोई निज़ाम हुकूमत पेश नहीं किया। और जो निज़ाम व नज़रिया ख़ुद बनाए बैठे हैं वो इस लायक नहीं है कि उसे कुरान की तरफ मंसूब कर सकें। जो कुरान का नज़रिया है वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं, जो उनका नज़रिया है वो इस काबिल नहीं कि ख़ुद कुरान की तरफ मंसूब कर सके। देखिए ना, एक वाज़ह नज़रिया तो होना ही चाहिए। छोटी छोटी मिसालें मैं दे दूँ, अब इसी रुख पे गुफ्तगू आ गई है तो यही बात पूरी कर दूँ किसी हद तक। कुल्ली एतबार से कोई मसला तय होना चाहिए, उसमें जुज़ई इख्तिलाफात की गुंजाइश होती है। मसलन नमाज वाजिब है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है मुसलमानों में। नमाज के लिए वज़ू वाजिब है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। वज़ू के लिए अब जुज़ी इख्तिलाफ है कि पाँव धोया जाए या पाँव पे मसा किया जाए, सर पे मसा किया जाए तो पूरे सर पे मसा किया जाए या थोड़े से हिस्से पे भी, सर के थोड़े से हिस्से पे भी मसा कर लिया जाए तो मसा हो जाएगा। ये जुज़ी इख्तिलाफात हैं, कुल्ली तौर पर इसमें इख्तिलाफ़ नहीं है कि वज़ू नमाज के लिए ज़रूरी है, तहारत नमाज के लिए ज़रूरी, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। जुज़ी इख्तिलाफात हैं, जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मंजूर आबदी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, ख़ुद फ़ाज़िल जलील हैं और इनके बरदर बुज़ुर्ग तो बहरहाल मरजे तकलीद हैं। आप तमाम हजरात पर खसूसियत के साथ लाहौर के मोमिनीन और पाकिस्तान के मोमिनीन के लिए तो मैं समझता हूँ कि उन्हीं की तकलीद मुतअय्यन है, आपको उन्हीं की तकलीद करनी चाहिए। मरजे तकलीद हैं, मुज्तहिद मुब्तकिर हैं, उन्होंने उसूल फ़िक्ह में और फ़िक्ह में जो नज़रियात पेश किए हैं मुज्तहिदाना वो अपनी जगह पर मुसल्लम है और सदियों हौज़ा इल्मिया में उसकी बाज़गश सुनाई देगी। ये उलमा जानते हैं कि किस तरीक़े से मसाइल को कुरान मजीद पेश करता है। कुरान मजीद ने नज़रिया हुकूमत को पेश किया है, ऐसा नहीं कि नहीं पेश किया है, निज़ाम हुकूमत को पेश किया है, नज़रिया हुकूमत को पेश किया है। मुश्किल मुसलमान की यह है कि वो उस नज़रिए को कबूल नहीं करता, वरना जैसे मैंने मिसाल दी तयम्मुम की, तहारत की, नमाज की, कुल्ली तौर पर एक चीज़ तो लाजिम वाजिब हो, एक नज़रिया तो हो कि हाँ तहारत वाजिब है। अब तहारत में जुज़ई इख्तिलाफात, नमाज वाजिब है, अब इख्तिलाफ़ ये है कि नमाज में हज़रत इमाम मालिक कहते हैं कि हाथ खोल कर नमाज पढ़ी जाए, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि हाथ बांध कर नमाज पढ़ी जाए।
یہ حضرت امام مالک اور حضرت امام ابو حنیفہ کا درمیان اختلاف، جزئی اختلاف ہے، اس میں اختلاف نہیں کہ آیا واقع نماز بھی واجب ہے کہ نہیں. یہ مسلم ہے کہ نماز نہیں ہو سکتی جب تک اس میں سورہ حمد کی تلاوت نہ ہو. اب یہ جزئی اختلاف ہے کہ سورہ حمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھا جائے یا یہ آیت کریمہ آہستہ سے پڑھی جائے. یہ جزئی اختلاف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلی آیت بلند آواز سے پڑھی جائے یا یہ آیت آہستہ سے پڑھی جائے. لیکن اختلاف اس میں نہیں ہے کہ پڑھنا لازم ہے، اور فرمانے آپ تو جزئی اختلافات ممکن ہیں. نکاح میں فقہا نے جو دقیقہ سنجیاں کی ہیں، ایجاب کس کی طرف سے ہو، قبول کس کی طرف سے ہو. عام طور پہ ایجاب لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے، لڑکی کا وکیل کہتا ہے انکح تو، لڑکے کا وکیل کہتا ہے قبل تو. بحث ہے فقہ میں، استدلالی بحث ہے کہ کیا یہی طریقہ درست ہے یا اس کے برعکس بھی درست ہو سکتا ہے. اگر لڑکے کی طرف سے کہا جائے انکح تو، لڑکی والا کہے قبل تو درست ہے یا نہ درست ہے؟ بعض فقہا اسے درست جانتے ہیں. مثال لاتے ہیں سیرت کریمہ سے، سیرت طیبہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نے جو نکاح پڑھے ہیں اس سے مثال لاتے ہیں کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی طرف سے نکاح پڑھا اور نکاح ہو گیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ہمارے ہاں کیسے رائج ہے، کیوں رائج ہے، یہ بحثیں جزئی ہیں. یہ طے ہے کہ ایجاب و قبول ضروری ہے، ایجاب و قبول ضروری ہے. اب ایجاب ادھر سے ہو قبول ادھر سے، یا ایجاب ادھر سے ہو قبول ادھر سے، ایجاب کی لفظیں کیا ہوں، قبول کی لفظیں کیا ہوں، ماضویت شرط ہے یا نہیں، یعنی صیغے کا ماضی میں ہونا شرط ہے یا نہیں، صیغے کا عربی میں ہونا شرط ہے یا نہیں، صیغہ کوئی عالم پڑھے یا خود بھی لڑکی لڑکے آپس میں صیغہ پڑھ سکتے ہیں، یہ سب جزئی اختلافات ہیں. اس میں اختلاف نہیں ہے کہ عقد ہونا ضروری ہے دین خدا کے مطابق، کلمہ الہیہ کے مطابق، نظریہ توحید کے مطابق عقد ہونا ضروری. ہر زندگی کے مسئلے میں آپ دیکھیں گے کہ بنیادی طور پر نظریے پہ اتفاق ہے، بعد میں جزئیات میں اختلاف ہے. کم سے کم ایسا کچھ حکومت کے بارے میں تو ہو، آپ یہ تو بتائیں کہ اسلام کا نظریہ حکومت یہ ہے، اس کے بعد جزئیات میں اختلاف کرتے رہیے. کوئی ایک لفظ تو ہو، ایک نظریہ تو ہو. زندگی کے ہر مسئلے میں آپ کوئی واضح جواب رکھتے ہیں، اس مسئلے میں واضح جواب کیوں نہیں رکھتے؟ فرض کیجیے آپ کہیے کہ اسلام نے نظریہ جمہوریت پیش کیا ہے، اس کے بعد آپ شرطیں عائد کیجیے کہ مگر اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ یہاں جو شخص بھی الیکشن میں کھڑا ہو وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، کم سے کم گریجویٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، جو بھی شرطیں آپ، جزئی اختلاف طے تو ہو کہ جمہوریت ہے، یا یہ طے ہو کہ ملوکیت ہے، یہ طے ہو کہ قریش سے ہوگا، یا قریش سے ہونا ضروری نہیں ہے، یہ طے ہو کہ خاندان رسول سے ہوگا، یا خاندان سے رسول سے ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی ایک اصولی بات تو طے ہو جائے. واضح ہے، دیکھیں یہ کہہ کے نہیں گزرا جا سکتا کہ یہ قضیہ پرانا ہو گیا. کیا آج حکومت کی ضرورت نہیں ہے؟ کل حکومت کی ضرورت نہیں ہوگی، قیام قیامت تک جب تک مسلم معاشرہ موجود ہے، جب تک انسان موجود ہے، اس وقت تک نظم و نظام حکومت ایک ضرورت بشری ہے. زندگی کا کون شعبہ ہے جو حکومت کے اثر سے خارج ہے؟ کون سا شعبہ ہے؟ آپ گھر بنائیں یا بازار میں تشریف لے جائیں، کوئی شعبہ زندگی کا حکومت کے اثر سے خارج نہیں. تعلیم حکومت سے کے اثر سے خارج نہیں، بزنس حکومت کے اثر سے خارج نہیں، کوئی شعبہ حکومت کے اثر سے خارج نہیں. تو جب ایسی ایک چیز ہے جو زندگی کے ہر شعبے پہ اثر انداز ہو رہی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید اس پہ روشنی نہ ڈالے. آپ ایک گھر بنائیے، گھر بنانے کے لیے زمین آپ کی ہے، پیسہ آپ کا ہے، رہنا آپ کو ہے، وہ حکومت آ کے کہتی ہے کہ نقشہ پاس کرائیے، یہ حکومت کیا ہوتی ہے؟
कह सकते हैं आप। बाज़ार में जाइए, एक दुकान ख़रीद कर आप ज़रा सा तिजारत शुरू कीजिए, वो कहेंगे कि जनाब वाला कितना बेचा, कितना कमाया, ज़रा हमें भी हिसाब दीजिए, उसमें से कुछ टैक्स हम भी लेंगे। ये कहाँ से आ गई हुकूमत? ये इनकम टैक्स कहाँ से आ गया? सेल्स टैक्स कहाँ से आ गया? आप दरामद और बरामद कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ हुकूमत की ज़रूरत है या नहीं है? आप पैसे का मामला बैंक से कर रहे हैं, वहाँ हुकूमत का कदम दरमियान में है या नहीं? कौन सा ज़िंदगी का शोबा है जहाँ हुकूमत का कदम दरमियान में ना हो? तो वो इस्लाम जिसने ज़िंदगी के हर शोबे के अहकाम बयान किए, वो इतने बड़े शोबे का हुक्म कैसे फरामोश कर सकता है? इतने बड़े शोबे का हुक्म कैसे फरामोश कर सकता है जो ज़िंदगी के हर मसले का इहाता कर रहा हो? मुमकिन नहीं है। इसलिए ये बावर कर लीजिए, ये यकीन कर लीजिए कि जो हज़रात कहते हैं कि क़ुरान ने कोई नज़रिया हुकूमत पेश नहीं किया, इस्लाम ने कोई नज़रिया हुकूमत पेश नहीं किया, बल्कि इसे अवामुन्नास पर और मुसलमानों पर और इंसानों पर छोड़ दिया, वो नज़रिया दुरुस्त नहीं है, ये जवाब दुरुस्त नहीं है। इतने छोटे छोटे मसले अल्लाह ने तो इंसानों पर छोड़े नहीं, छोटे छोटे मसले इंसानों पे नहीं छोड़े, इतना बड़ा मसला इंसानों पे छोड़ दिया, इतना बड़ा मसला इंसानों पे छोड़ दिया। ये मुखालता है, ये बात ना बुरहानी है, ना इरफानी है, ना कुरानी है। बुरहानी बात ये है, इरफानी बात ये है, कुरानी बात ये है कि कुरान मजीद ने एक नज़रिया हुकूमत पेश किया है, एक निज़ाम हुकूमत पेश किया है, एक तरीक़ेकार पेश किया है, और वो निज़ाम व नज़रिया हुकूमत नज़रिया विलायत है। एक लफ्ज़ में जवाब है। इस्लाम का नज़रिया हुकूमत क्या है? नज़रिया विलायत। कुरान का नज़रिया हुकूमत क्या है? नज़रिया विलायत। इस्लाम का तरीक़ेकार हुकूमत का क्या है? तरीक़ेकार विलायत। इसकी तफसीलात अपनी जगह हैं। पूरे कुरान में विलायत से मुतालिक अहकाम और मतालिब फैले हुए हैं, सूरह मुबारक मायदा से लेकर और दूसरे तमाम सूरों में। जामे तरीन बहस सूरह मुबारक मायदा और सूरह मुबारक बकरा में आ गई है। सूरह मुबारक बकरा में यही आयत जो मैंने पढ़ी है आपके सामने तिलावत की, इससे कबल आयतुल कुर्सी से मुत्तसिल जो आयतें हैं, अल्लाहु वलीयुल लदीना आमनू, अल्लाहु वलीयुल लदीना आमनू, यह लफ्ज़ वली है या नहीं? सूरह मुबारकाह मायदा की आयत है, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, पढ़ चुका हूँ यहीं आपके इसी मेंबर पर, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल लदीना युकीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। यहाँ जामे तौर पर नज़रिया विलायत पेश किया गया है। उसके बाद जुज़ियात नज़रिया विलायत भी तफसील से क़ुरान ने बयान किया है। ये ज़हन आलिम में ना आए कि क़ुरान मजीद ने इसकी तफसीलात बयान नहीं की हैं, इजमाल के साथ बयान किया है, तफसील के साथ बयान नहीं किया। क़ुरान का एक मिजाज है, तवज्जो रखिएगा, पढ़िए क़ुरान जाकर और देखिए जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो दुरुस्त है या नहीं। परवरदिगार आलम ने अपने हुकूक इजमालन बयान किए हैं, लेकिन इंसानी हुकूक तफसील से बयान किए हैं। पढ़िएगा जाकर, देखिएगा, उसकी सबसे बड़ी मिसाल, नुमाया तरीन मिसाल, नुमाया तरीन मिसाल। एक सलावत पढ़ दीजिए, नुमाया तरीन मिसाल। अल्लाह का सबसे बड़ा हक कौन सा है? अमलन, अमली वज़ाइफ, इकरार तौहीद के बाद, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद,
सबसे बड़ा हक अल्लाह का कौन सा इंसान पर? अमलन अमलन नमाज, नमाज सबसे बड़ा सुतून दीन है, सबसे बड़ा हक है ना। इसमें इस्लाम के जितने मसलक हों या इस्लाम के नाम पर जितने गैर इस्लामी मसलक हों, किसी में इख्तिलाफ नहीं कि नमाज सुतून दीन है, नमाज सुतून दीन है, नमाज ईमान और कुफ्र के दरमियान खत फासिल है, नमाज मेराज मोमिन है, फुरू दीन में सबसे पहले नमाज है, अव्वलिन पुरश से नमाज बवद, इन कुबिलत कुबिल मा सिवाहा व इन रुद्दत रुद्द मा सिवाहा, हदीस है। अगर नमाज कबूल हो गई तो उसके अलावा सब कुछ कबूल हो जाएगा, अगर नमाज रद्द हो गई तो उसके अलावा सब कुछ रद्द हो जाएगा, ये मज़मून हदीस है। नमाज इतनी बड़ी चीज़, कहीं कुरान मजीद में तफसील से नमाज के अहकाम है? न औकात नमाज तफसील से हैं, न रकात नमाज तफसील से हैं। बता दे कोई, पांच वक्त का जिक्र कहाँ है कुरान? फजर, जहर, आसर, मगरिब, इशा है कुरान मजीद में बयान, जो हर एक की समझ में आ जाए? नहीं है, है मगर नहीं है, नहीं है मगर है, ये एक अलग मसला है। कुरान मजीद में है, फुकहा का काम यही है, काल अल्लाह काल रसूल। हमसे कोई बहस करे, पूछे कि नमाज के पांच वक्त का तस्करा कुरान में है या नहीं, मैं कहूँगा है, आयतें बताऊँगा, तफसील बताऊँगा, लेकिन इस्तिदलाल करना पड़ेगा, तौजीह करनी पड़ेगी, बयान करना पड़ेगा, तबीर तौजीह तफसील तफसीर तावील इस्तिदलाल बुरहान वजाहत, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह वाजे तौर पे क्यों नहीं अल्लाह ने लिख दिया कि पांच वक्त की नमाज तुम पर वाजिब है, सुबह जोहर असर मगरिब ईशा? ये छोटा सा जुमला पूरे कुरान में कहीं है? नहीं। सुबह की नमाज दो रकात है, कि कहीं है कुरान में लिखा हुआ? मगरिब की नमाज तीन रकात है, कहीं है कुरान मजीद में? ईशा की नमाज चार रकात है, कहीं है कुरान मजीद? जोहर की नमाज चार रकात है, असर की नमाज चार रकात है, कहीं नहीं है कुरान? अच्छा, एक रकात नमाज भी कैसे पढ़ी जाए? ये जो तमाम मुसलमान मुत्तफिक, देखिए जो लोग कहते हैं ना इख्तिलाफ इख्तिलाफ इफ्तराक इफ्तराक तफरीका तफरीका, ये मेरा जुमला पुराना भी था, अब भी है, हमेशा कहूँगा, मुसलमानों में जितना भी तफरीका हो दीन में कोई तहरीफ व इख्तिलाफ नहीं है। मतन दीन खुदा का करम है कि महफूज है, मतन दीन खुदा का करम है कि महफूज है, रियाजत मुस्तफ़ा है कि महफूज है, क़ुरबानी अहले बैत मुस्तफ़ा है कि महफूज है, मतन दीन मतन दीन असल दीन महफूज है। मिल्लत चाहे जितने तफरक़ों में बढ़ जाए, जितने फ़िरक़ों में बढ़ जाए, पांच वक्त की नमाज हर मसलक में पांच वक्त की नमाज है, रमज़ान मुबारक करके रोज़े हर मसलक में, कोई मसलक ऐसा नहीं जो कहता हो कि साहब हम मुहर्रम में रोज़े रखते हैं रमज़ान में रोज़े नहीं रखते, कोई मज़हब नहीं। ईद का रोज़ा हराम है तो हर मसलक में हराम है, रमज़ान का रोज़ा वाजिब है तो हर मसलक में वाजिब है, वाज़े हैं ना ये सब बातें। हज ज़िलहिज्जा में होता है, हज वाजिब है अरकान दीन में से, ज़कात वाजिब है अरकान दीन में से, ज़रूरियात दीन का मुनकर काफिर है, इन तमाम चीज़ों पर सब मुत्तफिक हैं। नमाज पांच वक्त की है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। सुबह की नमाज दो रकात है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। तारीख में कभी किसी बदमस्त ने अगर चार रकात पढ़ा दी तो आज तक मलऊन है।
किसी मसलक में जुरत नहीं है जो उसे सही साबित कर सके। सुबह की नमाज़ दो रकात है, दो रकात है, मगरिब की तीन रकात है, तीन रकात है, जोहर असर और इशा की चार चार रकातें हैं, चार चार रकात हैं। फिर अज्जाए नमाज तकबीरतुल अहराम से नमाज शुरू होती है, नियत तकबीरतुल अहराम, उसके बाद सूरह हम्द की तिलावत, उसके बाद कुरान मजीद का कोई छोटा सा सूरा या बाज़ मसलकों में एक रुकू या चंद आयतों की तिलावत, उसके बाद रुकू, रुकू में सुबहान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे कहना, फिर खड़ा होना, फिर सजदे में जाना और दो सजदे करना, हर सजदे में सुबहान रब्बिल अला व बिहम्दे कहना, ये एक रकात नमाज हुई। बेआने ऐसी ही दूसरी रकात होती है, उसके बाद तशहुद है और सलाम। ये दो रकात नमाज की तरकीब बयान करने में कुरान मजीद के कई अल्फाज सर्फ होते हैं, कई सतरें सर्फ होती, कई आयतों की ज़रूरत होती। पूरे कुरान मजीद में ये जो मुहावरतन कहा जाता है कि 6,666 आयतें हैं, पूरे कुरान मजीद में कहीं दो रकात नमाज की तफसील परवरदिगार आलम ने यकजा नहीं लिखी वजाहत के साथ। तवज्जो है, सबसे बड़ा हक परवरदिगार का जो मोमिन पर है, उसे इजमालन कहकर अकीम उस सलात कहकर गुजर गया परवरदिगार, अकीम उस सलात कहकर गुजर गया। लेकिन जहां बंदों के हकूक का मसला था, मिसाल दे दूं, मीरास, मीरास के अहकाम कुरान मजीद में कितनी तफसील से हैं, माँ बाप जिंदा हो तो इनका कितना हिस्सा है, माँ बाप ना हो तो कितना हिस्सा है, सिर्फ माँ हो तो कितना हिस्सा है, सिर्फ बाप हो तो कितना हिस्सा है, कोई ना हो सिर्फ कलाला हो तो उसका कितना हिस्सा है, भाई हो तो कितना है, बहन हो तो कितना है, बेटे बेटियाँ, कितनी तफसील से तफसील अहकाम हैं विरासत के। इतनी तफसील से अहकाम इसलिए बयान हुए कि यहाँ हुकूक बशर का मसला था, दूसरी मिसाल कर्ज लो दो तो क्या करो। हजरत आदम से लेके आज तक लोग कर्ज ले रहे हैं और दे रहे हैं और हंस रहे हैं और गुजर रहे हैं। है ना, कर्ज हसना के क्या मानी है। अलीगढ़ के शोख ये लतीफ़ा बयान किया करते थे कि भाई कर्ज़ हसना के मानी है कि कर्ज़ जब ज़रूरत पड़े तो ले लो और जब कर्ज़ ख़्वाह वापस मांगे तो हंस दो। आप ऐसा ना कीजिएगा, ये अलीगढ़ के मंचलों की शोखियाँ हैं। कब से कर्ज़ इंसान ले रहा है और दे रहा है, रहन के अहकाम कुरान मजीद ने किस कदर तफसील से बयान किए। इसी सूरह मुबारक बकरा की तवील तरीन आयत, कुरान मजीद की तवील तरीन आयत, सवाल है कुरान मजीद की तवील तरीन आयत किस हुक्म में है, अल्लाह के हुकूक के बारे में है या बशर के हुकूक के बारे में। बशर के हुकूक के बारे में, अगर तुम सफ़र में हो, किसी से लेन देन करो तो फिर लिखो, गवाह कायम करो, उस गवाह के हुकूक क्या हैं, उस गवाह पर क्या फ़र्ज़ है वाजिब है, तहरीर लिखो, रहन चीज़ रखो तो क्या करो, ये सब रहन लेना देना, गवाह कायम करना, कर्ज़ के अहकाम, विरासत के अहकाम इतनी तफसील से परवरदिगार ने बयान किए। और नमाज का हुक्म बयान नहीं किया, मिजाज कुरान ये सामने आया कि परवरदिगार अपने हुकूक के मामले में तो दरगुजर से काम ले सकता है मगर बशरी हुकूक के मामले में दरगुजर से काम नहीं ले सकता। कुरान है, ये मिजाज कुरानी जब सामने आ गया कि वो अपने हुकूक तो मुआफ फरमा सकता है, बशर के हुकूक कोई पामाल करे तो परवरदिगार मुआफ नहीं कर सकता। अब बताएं कि बशर के हुकूक को महफूज रखने का सबसे बड़ा इदारा कौन सा हो सकता है।
बशरी हुकूक का तहफ्फुज कैसे मुमकिन है? अगर हुकूमत मुस्तहकम है तो बशरी हुकूक महफूज रहेंगे, अगर हुकूमत मुस्तहकम नहीं है तो बशरी हुकूक महफूज नहीं रहेंगे। जो परवरदिगार विरासत के अहकाम तफसील से बयान कर रहा है, कर्ज के अहकाम तफसील से बयान कर रहा है, रहन के अहकाम तफसील से बयान कर रहा है, तलाक के अहकाम तफसील से बयान कर रहा है, निकाह के अहकाम तफसील से बयान कर रहा है, वो परवरदिगार हुकूमत के अहकाम बयान नहीं करेगा? चौदह सौ बरस से बहस चली आ रही है। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, ये जुमला इस मरतबा इस सफर में कई मरतबा, जितने इस्लामी ममालिक हैं हर मुल्क में हर मुस्लिम बच्चे को उसके निसाब तालीम में पढ़ाया जाना चाहिए कि कुरान का नजरिया हुकूमत क्या है, कुरान का निजाम हुकूमत क्या है। बुनियादी हक है। आप सब कुछ पढ़ाते हैं, मार्क्सिज्म पढ़ाते हैं, लिनिनिज्म पढ़ाते हैं, बाल्शिज्म पढ़ाते हैं, कैपिटलिज्म पढ़ाते हैं, हर इज्म पढ़ाते हैं, इल्ला कुरान का नजरिया है हुकूमत। क्या जुल्म है, क्या सितम है। ये तो वही एक ब्रैकेट में कहने के लिए जुमला शुरू किया था, वो ब्रैकेट इतना लंबा होता चला गया, ये जुमला मोतरजा इतना बढ़ गया। कुरान मजीद ने जो नज़रिया हुकूमत और निज़ाम हुकूमत और तरीक़ हुकूमत तालीम फरमाया है, वो विलायत का नज़रिया, विलायत का तरीक़ा और विलायत का उसूल और निज़ाम है। अब इस विलायत की तफसीलात अपनी जगह, जाहिर है कि मेरा इस मरतबा मौजू यहाँ विलायत नहीं है, अगरचे कोई भी मौजू विलायत से जुदा नहीं है, मुमकिन नहीं है। कोई भी ज़िंदगी से मुतालिक मौजू छेड़िए वो विलायत से जुदा नहीं है, इसलिए कि विलायत सबका अहाता किए हुए, सब का अहाता किए हुए हैं, इसलिए कि यही नज़रिया हुकूमत है और हुकूमत पूरे इंसानी माशरे और पूरे ज़िंदगी पर अहाता किए हुए हैं। बारह, ये एक दरमियान में बात आ गई थी तो मैंने अर्ज़ कर दी कि कुरान मजीद में ये आयत जो मैंने आपके सामने तबर्रुकन और तयम्मुनन तिलावत की है, एक सलावत पढ़ दीजिए। ये आयत जनाब इब्राहीम और नमरूद से मुकालमे और मनाजरे के मज़मून पर मुश्तमिल है। इरशाद इलाही अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क, अलम तरा, क्या तुम गौर नहीं करते या क्या तुमने गौर नहीं किया, क्या तुमने देखा नहीं। कुरान मजीद में कितने मकामात हैं जहां ये अंदाज़ इख्तियार किया गया है, क्या तुमने गौर नहीं किया, क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुमने देखा नहीं, क्या तुम देखते नहीं। ये उसलूब बताता है कि कुरान मजीद, तवज्जो रहे जवानान अज़ीज़ दानिशवरान गिरामी, जो लोग ये कहते हैं और बड़े बड़े नाम इसमें शामिल, जो लोग ये कहते हैं कि दीनी तरीक़े फ़िक्र, ईमानी तरीक़े फ़िक्र रद्द व कबूल के रज़मिये पर मुश्तमिल नहीं है, दीन कहता है बस आँख बंद करके तस्लीम कर लो, यानी दानिश नूरानी कहती है कि कबूल कर लो, दानिश बुरहानी कहती है कि बहस करो, तहकीक करो। बुरहान की जो आम तारीफ़ है वो ये है कि फ़िलासफ़िकल अप्रोच, फ़िलासफ़िकल मेथोडोलॉजी ये होती है कि कुंजकावी, तलाश, जस्तजू, बहस, सवाल। वही कहती है मुझे तस्लीम कर लो, दीन कहता है बस तस्लीम कर लो, सरे तस्लीम खम कर दो। ये एक मुगालता है जो लोगों के जहनों में है और इस मुगालते को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जा रहा है। तवज्जो रहे, दस्ते अदब जोड़ के मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आपकी पूरी तवज्जो इस नुक्ते पे चाहता हूँ। बहुत अहम बहस है, बे इंतहा अहम बहस है। आम तौर पे ये कहा जाता है कि फ़लसफ़ा और साइंस या दुनियावी उलूम ये रद्द कबूल के रज़मिये पे मुश्तमिल है, कबूल कीजिए या रद्द कीजिए, हकीक़त की तलाश आज़ादाना कीजिए। और दीनी निज़ाम में ये आज़ादी सलब कर ली जाती है,
गलत है ये तसव्वुर। अगर दीन में आज़ादी सल्ब की जाती तो बार बार कुरान क्यों कहता तदब्बुर से काम लो, तफक्कुर से काम लो, ताअक्कुल से काम लो। क्या तुमने सोचा नहीं, क्या तुमने गौर नहीं किया, क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम गौर नहीं करते। जब गौर करने पे पाबंदी आयत करना है तो फिर गौर करने के लिए बेदार क्यों किया जा रहा है। ये किसकी आवाज़ है? अलम तरा, क्या तुमने देखा नहीं, किसकी आवाज़ है? जहाँ जहाँ कुरान मजीद में इस्तिफ़हाम के जुमले हैं उन पर गौर कीजिए। इस्तिफ़हाम यानी सवाल। इस्तिफ़हाम कहाँ उसलूब बरता जाता है? इस्तिफ़हाम का उसलूब कहाँ बरता जाता है? इस्तिफ़हाम कहते किसे? इस्तिफ़हाम इस्तिफ़आल है फ़हम से, है ना। ये किसी भी अरबी के सुलासी मादे में जब अलिफ सीन ते जोड़ देते हैं तो उसमें तलब के मानी आ जाते हैं। इस्तिफ़हाम यानी तलब फ़हम, इस्तिफ़हाम यानी तलब इल्म। सवाल करता है इंसान किस लिए? ताकि जवाब में उसे इल्म हासिल हो। समझे इस्तिफ़हाम लफ्ज़ कहाँ से आया है? इस्तिफ़हाम यानी तलब फ़हम। परवरदिगार ये इस्तिफ़हाम क्यों करता है? बंदों से सवाल क्यों करता है? क्या बंदों से सवाल करके अपने इल्म में इजाफा फरमाएगा? अब यहाँ पर उलमाए बलागत आकर ख़ुद रहनुमाई फरमाते हैं कि इस्तिफ़हाम हमेशा तलब फ़हम ही के लिए नहीं होता। सवाल करने वाला सवाल हमेशा इसलिए नहीं करता है कि उसको अपने इल्म में इजाफा करना है, बल्कि उसे ये जानना है कि आया तुम्हारे अंदर भी इल्म है या नहीं है। साल भर जो प्रोफेसर साहिबान पढ़ाते हैं वही प्रोफेसर साहिबान सवाल मुरतब करते हैं और अपने शागिर्दों के सामने वो सवालनामा रख देते हैं, तो क्या ये उस जवाब की रोशनी में अपने इल्म में इजाफा करना चाहते हैं? साल भर जिस प्रोफेसर ने पढ़ाया है, चाहे अदब पढ़ाया हो, लिटरेचर पढ़ाया हो, या मंतिक पढ़ाई हो, रियाजियात पढ़ाई हो, तबीयात पढ़ाई हो, साइंस पढ़ाया हो, फ़लसफ़ा, साल भर जिस प्रोफेसर ने पढ़ाया है वही प्रोफेसर सालाना इम्तिहान के वक्त सवालनामा मुरतब करता है, उसमें सवाल होता है। सवाल यानी इस्तिफ़हाम। अब जो शागिर्द जवाब लिखेंगे तो क्या इस जवाब से प्रोफेसर के इल्म में इजाफा होगा? नहीं। इस जवाब से अंदाज़ा होगा कि साल भर जो हमने पढ़ाया वो आपकी समझ में आया या नहीं आया। क़ुरान मजीद में जो इस्तिफ़हाम हैं वो इसलिए इस्तिफ़हाम है। इस्तिफ़हाम का और फ़ायदा क्या है? इस्तिफ़हाम इनकारी किसे कहते हैं? इस्तिफ़हाम तकरीरी किसे कहते हैं? इस्तिफ़हाम इक़रारी किसे कहते हैं? कि ये मालूम है कि इस शख्स को इल्म है, हमें भी इल्म है, मुखातब को भी इल्म है, मुखातिब को भी इल्म है, मुखातब को भी इल्म है, मुतकल्लिम को भी इल्म है, सामे को भी इल्म है, लेकिन सामे या मुखातब मुखातिब के सामने अपने इल्म का इकरार नहीं करना चाहता, एतराफ़ नहीं करना चाहता। चूँकि एतराफ़ नहीं करना चाहता इसलिए ये सवाल करता है कि सवाल के जवाब में भी तो मजबूर होगा एतराफ़ करने पर। जो हकीकत ज़हन बशरी में, कल्ब बशरी में, ज़बीर बशरी में नहुफ्ता और पोशीदा है, रासिख है, लेकिन ये बशर उसे लब एतराफ़ और लब इजहार तक नहीं लाना चाहता, उसके लिए सवाल कायम किया जाता है ताकि सवाल के जवाब में मजबूर हो कि अपने लब इनकार को लब इकरार में बदल दे। चनांचे कुरान मजीद ने उसलूब इस्तिफ़हाम को बार बार बरता है, तरह तरह से बरता है। कभी इंसान को उसकी हकीकत समझाने के लिए, कभी इंसान को उसकी इल्म दानिश के हदूद समझाने के लिए, और कभी वाकयान
ये बताने के लिए कि हमारी तरफ से तुम पर कोई निज़ाम जबर नहीं है, अगर तुम्हारी अक्ल कबूल ना करे तो तस्लीम ना करो। यहाँ पर आकर एक लफ्ज़ पर गुफ्तगू करता हूँ और अगर इसी पे तकरीर आज ख़त्म हो गई तो फिर कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। एक सलावत पढ़ दीजिए। आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं, मैं बयान में बुखल से काम नहीं लेता, बस ये कि तबीयत जब साथ नहीं देती तो मजबूर हो जाता हूँ। इंसान, ये जो लोग कहते हैं कि दानिश बुरहानी अलग है, दानिश नूरानी अलग है, कहते हैं दीन तस्लीम व ईमान चाहता है, फ़लसफ़ा जस्तजू और तहकीक का तलबगार है, और इस तरह दो राहें अलग अलग हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ तस्लीम वजूद इंसानी का कौन सा अमल है? छोटे बड़े सब लोग जो सुन रहे हैं मेरी इस बात को गौर करें ज़रा सा, अपने नफ्स में डूबें। देखिए हमारी मजलिस मजलिस नहीं होती, तजर्बा होती है। आप सब अपने उम्र ज़ात में एक गोता तो लगाएं। आप जब किसी चीज़ को तस्लीम करते हैं तो कब तस्लीम करते हैं? ये तस्लीम कौन सा अमल है? तस्लीम कौन सा अमल है? तस्लीम यानी किसी चीज़ को मान लेना, दिलो जान से कबूल कर लेना। आप किसी चीज़ को दिलो जान से कब कबूल करते हैं? ये दिलो जान किसी चीज़ को कबूल करने के लिए कब आमादा होते हैं? दीन यही तो कहता है कि हकीकत को तस्लीम करो। तस्लीम करना फिर भी फ़ेल किसका है? तस्लीम करना अमल किसका है? आपकी अक्ल का, आपकी रूह का, आपके नफ्स का, आपके कल्ब का, आपकी जान का। तवज्जो है, तस्लीम, दीन तस्लीम चाहता है। यानी क्या? दीन बुरहान से जुदा नहीं है। तवज्जो रहे, दीन बुरहान से जुदा नहीं है, दीन हिकमत से जुदा नहीं है, दीन फलसफे से जुदा नहीं है, दीन दलील से जुदा नहीं है। दीनदार हलके जो हकीकतन हैं, उनका नारा ये होता है कि नहनु अबनाउ दलील, हम तो फर्जंदान दलील हैं, दलील ले आओ तस्लीम कर लेंगे। दलील ले आओ तस्लीम कर लेंगे। दीन का ये तकाजाए तस्लीम है क्यों? तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। बस शायद इसी नुक्ते पे गुफ्तगू अधूरी छूट जाएगी, कल आगे बढ़ेगी, क्योंकि सीना और आवाज़ साथ नहीं दे रही है। लेकिन ये नुक्ता बड़ा अहम फिक्री नुक्ता था, यही अगर आप तक मुंतकिल हो गया तो मैं समझूंगा एक बड़ी बात, एक बड़ी बहस, एक बड़ी फसल आप तक मुंतकिल हो गई। तब भी वो इन मसाइल में ज़रूर उलझते हैं, हर जवान, हर तालीम याफ्ता जवान इन मसाइल से ज़रूर दो चार होता है कि दीन में तो हर चीज़ को बस मान लेना है, तहकीक की जस्त, तहकीक जस्तजू सवाल इसकी गुंजाइश नहीं। गलत है ये तसव्वुर, दीन किसी चीज को बगैर तहकीक तस्लीम करने की दावत नहीं देता। दीन किसी चीज को बगैर दलील कबूल करने की दावत नहीं देता। ये जुमला लिख लें, पत्थर पे नहीं लोहे जहां पे लिख लें, पत्थर की तहरीर भी मिट जाती है, लोहे जहां पे लिखें। दीन किसी चीज़ को बगैर दलील और बुरहान
कबूल करने और तस्लीम करने पर मुसर नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कुरान मजीद में इतने मकामात पे इस्तेफाम न बरता जाता, तफक्कुर की दावत न दी जाती, ताक्कुल की दावत न दी जाती, ये न कहा जाता कि तुम तफक्कुर से काम लो, ताक्कुल से काम लो, सोचो समझो, कुरान मजीद पढ़े जाकर। हाँ ये ज़रूर है कि इस दीन तस्लीम चाहता है, फलसफा तस्लीम नहीं चाहता। बस ये फ़र्क क्या है, दो जीनों का फ़र्क है। फलसफा किसी हकीकत पे दलील कायम करने के बाद भी इंसान को छोड़ देता है कि ये हकीकत सामने तो आ गई, अब भी तुम्हें इख्तियार है मानो या ना मानो। दीन कहता है ये कौन सी इंसानियत है, अगर हकीकत मुसल्लम सामने आ गई तो हकीकत का तस्लीम करना शराफत इंसानी का तकाजा है। तवज्जो है, तवज्जो है, नुक्ता रोशन हुआ। यानी फलसफा कहता है हकीकत ये है, अब आप माने या ना माने, हकीकत सामने आ गई फिर भी आप कहते हैं मैं तो नहीं मानूंगा। यानी दलील ये कहती है कि दो और दो मिलकर चार होते हैं, आप कहते हैं होगा, ये रियाजी की क्लास का मसला है, मैं ज़िंदगी में इसे नहीं मानता, मैं दो और दो साढ़े तीन का आदि हूँ तो क्या करूँ, आदि हूँ मैं, दो और दो साढ़े चार का आदि हूँ, जो जैसे ही आदत डाल ले। मिलते हैं आपको ऐसे? अरे ज़रा सा चहलकदमी कीजिए सहराए ज़िंदगी में तो कैसे कैसे तजर्बे होते हैं। बहुत पुरानी मसल है ना, क्या शहरों में भी राइज है देहातों में भी राइज है कि पंचों का फैसला अपनी जगह पर, नाला यहीं बहेगा। ये क्या है, कौन सा रवैया है? यानी पंचों ने जो फैसला किया वो दुरुस्त है, हम उसे गलत साबित नहीं कर सकते, मगर परनाला हटाएंगे नहीं, वो यहीं बहेगा। गौर फरमाया आपने, ये क्या है, यानी दो दो चार होगा वो रियाजी की क्लास में, मगर हम ज़िंदगी में उसे नहीं बरतते। ये आम इंसान का सरकशी का मिजाज है कि हकीकत सामने आ जाए तो आ जाए, हम नहीं मानते। इस्लाम ये चाहता है, दीन ये चाहता है, मकतबे वही का तकाजा ये कि सोचो, तफक्कुर से काम लो, ताक्कुल से काम लो, तहकीक से काम लो, सवालात कायम करो, लेकिन जब जवाब वाज़ह सामने आ जाए तो फिर तुम्हारी अक्ल की शराफत ये है कि उस जवाब को तस्लीम करो। इस तरह बुरहान और इरफान और कुरान मुत्तहिद हैं, जुदा नहीं है। बुरहान पहली मंजिल है, इरफान दूसरी मंजिल है, कुरान तीसरी मंजिल है। फर्क यही है, तफरीका यही से होता है कि हकीकत सामने आ गई मगर तस्लीम नहीं करेंगे। देखिए ना, अभी आपको हैरत होती होगी, जनाब जहाँ जाइए हर हदीस की किताब में अली के फ़ज़ाइल मौजूद हैं, हर किताब में हर मसलक में अली के फ़ज़ाइल बयान करने वाले मौजूद हैं, फजीलत तस्लीम करते हैं मगर अली को तस्लीम नहीं करते। मतलब किसी से पूछिए इस आलम इस्लाम में अस्हाब पैगंबर में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म कौन था? जवाब अली। सबसे बड़ा शुजा कौन था? जवाब अली। सबसे बड़ा साहिब इंसाफ और आदिल कौन था? जवाब अली। सबका जवाब यही है, खुदा की कसम सबका जवाब यही है, मगर जब कहो अली को तस्लीम करो। Yeah।
बुरहान इरफान कुरान, बुरहान इरफान कुरान, तीनों की राह एक है, तीरों की मंजिल एक है, दर्जों का फ़र्क है। पहले बुरहान है, फिर इरफान है, फिर कुरान है। बुरहान से काम लो तो नतीजा अली है, इरफान से काम लो तो नतीजा अली है, कुरान से काम लो तो नतीजा अली। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले। देखिए बात पहुंची अली तक, बात पहुंची अली तक। मुमकिन नहीं है कि कोई बात हक की राह से चले और अली तक ना पहुंचे। इम्पॉसिबल। दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है सिवाय इसके कि बात हक की हो और अली तक ना पहुंचे। क्योंकि दुआ दुआए रसूल है, अल्लाहुम्मा दरिल हक हैथुमा दार अली। परवरदिगार हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ जाए। ये नहीं दुआ की थी रसूल ने, परवरदिगार अली को उधर मोड़ दे जिधर हक मुड़ जाए। ये कोई बड़ी बात न थी, परवरदिगार अली को उधर मोड़ दे जिधर हक मुड़ जाए। नहीं, खुदा की कसम नहीं है, हज़रत इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल जाकर देखिए, उसमें एक नहीं कई जगह मुकर्रर ये हदीस मौजूद है। मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल में मुकर्रर ये हदीस मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अदरिल हक हैथुमा दार अली, परवरदिगार हक को उधर मोड़ दे, हक को उधर मोड़ दे। मामूली बात नहीं, किसका जुमला है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ जाए, तो हक की कोई बात भी होगी नतीजा वही है। हक अली के साथ है। बुरहान का नतीजा भी यही है, इरफान का नतीजा भी यही है, कुरान का नतीजा भी यही है। और ये आयत करीमा जिसको मैंने सरनामे कलाम करार दिया है, जब इस पर और बहस होगी तो एक एक फ़िक्रा एक एक जुज़ इसका आप देखेंगे किस तरह हकायक सामने आते हैं और किस तरह कुरान मजीद के एक एक तरकीब को खोलिए तो अली बरामद होते हैं। खुदा की कसम, मैं मुबालगे से काम नहीं ले रहा हूँ, मैं फ़न खिताबत से तो वाकिफ़ नहीं हूँ, ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। टूटी फूटी तालिब इल्माना बातें जैसे करता हूँ वैसे ही करता हूँ, मकतबी बातें मदरसे की बातें। लेकिन आज खुलासा गुफ्तगू, अब इससे आगे बयान को जारी नहीं रख सकूँगा, खुलासा गुफ्तगू ये है कि ये दानिश बुरहानी और दानिश नूरानी की तकसीम दुरुस्त नहीं है। ये समझना कि बुरहान की राह अलग है, इरफान की राह अलग है, कुरान की राह अलग है, दुरुस्त नहीं है। जो चीज़ कुरानी नहीं है वो बुरहानी भी नहीं हो सकती, जो चीज़ कुरानी नहीं है वो इरफानी भी नहीं हो सकती, जो चीज़ इरफानी नहीं है वो बुरहानी भी नहीं हो सकती, कुरानी भी नहीं हो सकती, जो चीज़ बुरहानी नहीं है वो कुरानी भी नहीं हो सकती, इरफानी भी नहीं हो सकती। ये ज़हन आली में महफूज रख लें, इसके आगे गुफ्तगू कल बढ़ेगी। ये चीज़ कहीं भी आप देख लें, मोहम्मद और आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम की कोई भी ज़िंदगी का मसला, कोई भी गुफ्तगू न कुरान से खाली है, न बुरहान से खाली है, न इरफान से खाली है, चाहे वो मैदान करबला ही क्यों ना हो। हुसैन ने कोई गुफ्तगू की है बुरहान से खाली है, इरफान से खाली है, कुरान से खाली है? सरकार सैयदुश्शुहदा ने आखिरी वक्त तक जो खुतबे इरशाद फरमाए उसमें दलील है, बुरहान है, हुज्जत है, इत्माम हुज्जत है। और ये सरकार सैयदुश्शुहदा का खुतबा जो उस वक्त मुखातबीन इमाम थे उन तक महदूद नहीं है, क़याम क़यामत तक जितने मुसलमान हैं
सब के लिए गौर तलब है कि करबला में जो वाकया पेश आया, फर्जंद रसूल पर जो मुसीबतें वारिद की गईं, सरकार सैयद शहदा अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन उन पर जो मुसीबतें नाजिल की गईं, उसका सबब क्या था? सरकार सैयद शहदा ने पूछा, क्या मैंने तुम्हारे दीन में कोई तब्दीली की है? क्या किसी का हक पामाल किया है मैंने? ये क्या है? दलील है, बुरहान है, इत्माम हुज्जत है? क्या मैंने मुझ पर किसी का मवलमा है, किसी का हक ज़ाया किया है, किसी का हक पामाल किया है, किसी का खून मेरी गर्दन पे? बार बार सैयद शहदा ने इत्माम हुज्जत में ये फरमाया और कोई जवाब न था उनके पास। वो कहते थे, नहीं, तुमने दीन में कोई तब्दीली नहीं की है, शरीयत में कोई तब्दीली नहीं की, हमारी तरफ से कोई मुतालबा नहीं है, कोई हक़ ज़ाया नहीं किया है। बुग़्ज़न ले अबीक, तुम्हारे बाप का बुग़्ज़ है हमारे सीने। अली ने मुशरिकों को, काफिरों को कत्ल किया था, बदर में, उहद में, खंदक में, खैबर में, रसूलुल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से अली इब्न अबी तालिब ने काफिरों और मुशरिकों को कत्ल किया। उन काफिरों और मुशरिकों की नस्ल नस्ल रसूल से इंतकाम लेना चाहती थी और ये तारीख में मौजूद है, तारीख में मौजूद है। तख्त शाम पर बैठने वाले कातिल हज़रत अबू अब्दुल्लाह ने जुमला क्या कहा है? लैताश याखी बे बद्रिन शहदू, काश मेरे वो बुज़ुर्ग जो बद्र में कत्ल किए गए आज जिंदा होते और देखते कि हमने मोहम्मद की औलाद से कैसा बदला लिया है। ये तारीख है, ये तारीख है। ये मजलिसें क्यों बरपा होती हैं? ये फ़र्श अज़ा क्यों बिछते हैं? ये फ़ज़ाए मजलिस क़याम क़यामत तक बरकरार रहेगी, इसलिए कि जब तक इस्लाम है, जब तक नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह अज़ानों में बुलंद हो रहा है, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, ये मिट नहीं सकता। करबला की जंग तौहीद की जंग थी, नबूवत की जंग थी, ख़त्म नबूवत की जंग थी। वहाँ सैयद शहदा बुरहान से काम ले रहे हैं, क़ुरान से काम ले रहे हैं, इरफान से काम ले रहे हैं। और आज तारीख कौन सी है मालूम है? आज पहली सफ़र है। आप समझे मैं क्यों पूछ रहा हूँ? पहली सफ़र वो तारीख है जब करबला के असीरों का काफिला शाम में दाखिल हुआ। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। पहली सफ़र हुसैन का लुटा हुआ काफिला, बेरिदा नबी जादियाँ, असीर नबी जादियाँ शाम में दाखिल हुई हैं। बस चंद जुमले अर्ज़ करूँगा, ज़्यादा देर तक मसाइब गुजारिश नहीं कर सकूँगा, लेकिन क्या मसाइब गुजारिश करने की ज़रूरत है? क्या ये हवाला काफ़ी नहीं है कि आज पहली सफ़र है और ज़ैनब बाजार शाम से गुजारी जाए? उम्मे कुलसूम बाजार शाम से गुजारी जा रही और बार बार बीबी इल्तिमास कर रही हैं, दरख्वास्त कर रही हैं कि मैं नबी जादी हूँ, मेरे लिए चादर का इंतज़ाम कर दो। आपको आपका सुना हुआ फकरा है, बाजार शाम में कद आदम आईना बंदी की गई थी, पहले से ऐलान किया गया था कि खलीफा वक्त पर, बादशाह वक्त पर खुरूज करने वाले खारिजी को कत्ल किया गया और उसका असीर कुनबा कल दाखिल शाम होगा, इसलिए तमाम लोग तमाशा देखने के लिए आएँ, तमाशा देखने के लिए आएँ। खिलकत टूटी हुई थी, हजूम था तमाशबीनों का। ये कद आदम आईने इसलिए लगाए गए थे कि जो नज़दीक होंगे वो तो नज़दीक से देखेंगे, जो दूर होंगे वो आइनों में देखेंगे ज़ैनब का खुला हुआ सर।
अजरुकुम अलल्लाह। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के, सिवाय गम अहले बैत के। ये बाजार शाम तरह तरह से सजाया गया था। कहते हैं कि बाजार शाम में जगह जगह दर सजाए गए थे, 7 दरवाजे थे क़िलाए यजीद अलईन तक पहुंचने के लिए, उस महल तक पहुंचने के लिए, उस दरबार तक पहुंचने के लिए। हर दरवाज़े पर रक्स व सुरूद का अहतमाम था, हर दरवाज़े पर जश्न के शादियाने बज रहे थे, हर दरवाज़े पर अजियत देने के सामान फराहम किए गए थे। बीबी हर दरवाज़े से गुज़रती चली गई, लेकिन जब आखिरी दरवाज़ा सामने आया और उसके बाद मालूम अब इसके बाद दरबार है, तो बीबी जनाब ज़ैनब ने जनाब सैयद सज्जाद से बुलाया और बुलाकर कहा, बेटा इनसे कह दो कि इस दरबार में तमाम दुनिया के मुल्कों के सफ़ीर होंगे, इन्हें गैरत नहीं आती, रसूलुल्लाह के कुनबे को इस तरह दरबार में बुला रहे हैं कि सर पर रिदा नहीं है, बाजुओं में रसन है, जिस्म पर लिबास कोहना और बोसीदा है, इन्हें गैरत नहीं आती, इन्हें शर्म नहीं आती। जनाब सैयद सज्जाद मुस्तरबाना इधर उधर देख रहे थे, एक सहाबी रसूल करीब आया और उसने जनाब सैयद सज्जाद को सलाम किया। जनाब सैयद सज्जाद ने पहचाना और उसके बाद कहा, तुझे मैं कसम देता हूँ रसूलुल्लाह की, अगर तू एक एहतमाम कर सकता है तो कर दे, इनसे चंद चादरों का इंतजाम करा। ये सहाबी रसूल सहले साइदी हैं, ये सहले साइदी हैं कि जो बैतुल मक़दस से ज़ियारत करके वापस आ रहे हैं। इन्होंने इनके पास जो कुछ सरमाया था, जो कुछ रुपया पैसा था, वो सब ले जाकर उन लईनों को दे दिया, कहा ये पैसे ले लो, चंद चादरों का इंतज़ाम कर दो ताकि नबी जादियों के सरों पे चादर डाल दी जाए। उन्होंने वो पैसे लिए, चादरें दी, इधर बीबियां चाहती थी कि सरों पे चादर डालें, दोबारा नेज़ों की नोक से चादर चले, बीबियां फिर बरहना सर रह गईं, बीबियां फिर बरहना सर रह गईं। ये वो मौका है जब जनाब ज़ैनब को जलाल आया है और एक मर्तबा फरमाया है, बहन उम्मे कुलसूम, रबाब, लैला, फिजा, सकीना, अब मैं बद्दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, तुम आमीन कहो। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने बद्दुआ के लिए हाथ उठाना चाहा, जनाब सैयद सज्जाद हथकड़ियाँ संभाले हुए, बेड़ियाँ संभाले हुए करीब आए, फूफी अम्मा हिफ्ज़े मरातिब शर्त है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बाबा के सरे अनवर को देख लीजिए। जनाब ज़ैनब कुबरा ने हुसैन के सरे मुबारक को देखा, देखा आँखों से लहू जारी है, बीबी ने कहा, भैया मैं पैगाम अश्क हुसैनी समझ गई, अगर यही मसलहत है कि इसी अंदाज से दरबार में जाऊं तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़ान बिक़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रे। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मआरिफ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार हमारे जवानों को तहजीब व दानिश मुहम्मद व आले मुहम्मद से आरास्ता फरमा। परवरदिगार हमारे सीनों में चराग़ तौहीद रोशन फरमा। परवरदिगार हमारे हाथों से हमें हाथों में हमेशा दामन ख़त्म नबुवत रहे, हमारे कदम हमेशा सिरात मुस्तकीम विलायत अली इब्न अबी तालिब पर गामजन रहें। परवरदिगार मिल्लत इस्लामिया को तहजीब आले मोहम्मद के सांचे में ढाल दे। परवरदिगार बरकात तहजीब आले मोहम्मद तमाम बशरियत के लिए आम कर दे। महबूद सरकार वली असर को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत और राफत और अदालत का परचम लहरा दें।